ऑपरेशन के बाद युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने नामचीन रेनबो हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का आरोप। डॉक्टर प्रत्युल सक्सेना ने किया था ऑपरेशन। परिजनों की मांग पर सीएमओ ने डॉक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम कराने के दिए आदेश। युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने थाना हरिपर्वत पुलिस को हॉस्पिटल के विरुद्ध लिखित शिकायत सौंपी। परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्यवाही का दिया आश्वासन। अस्पताल ने लापरवाही छिपाने के लिए दूसरे अस्पताल में कर दिया था रेफर। मैं नौ मौत के लिए 100 शब्दों में बनाऊंगा कि डॉक्टरों को ये पता चल जाता है कि अब ये बचेगा नहीं। ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन इनको दूरबीन से किया गया। अंदर का मामला इन्होंने कोई नस वस कट गई और जैसे ही नस कटी है डॉक्टर को पता चल गया कि नस कट गई, अब ये बचेगा नहीं। और इन्होंने इनको सबको गुमराह करके और इस बच्चे को वहाँ से रेफर कर दिया। हम अपना पीछा छुड़ाते हैं, इसको यहाँ से ले जाओ। उनको पता चल जाता है कि ये मामला अंदर का है। अंदर खोजबीन की है, दूरबीन के द्वारा जब हथियार चला है पेट के अंदर तो उनको पता चल जाता है स्किन पर कि हाँ ये कट गया, ये बचेगा नहीं। इन्होंने अपनी आफत को टाल करके इसको दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया। हमारा निवेदन है इसकी निष्पक्ष जांच किया जाए, ये मानव अधिकार का केस है। इसी प्रकार से डॉक्टरों की हम इज्जत करते हैं। पुलिस प्रशासन ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है और आपने भी हमारी मदद की है। हम चाहते हैं पूरे सैनिक यहाँ के सैनिक खड़े हुए हैं, हमारे सैकड़ों सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं। जब इनको पता चला कि ये एक अन्याय हुआ है, हम न्याय चाहते हैं। बच्चे को न्याय होना चाहिए। इसकी अभी शादी हुई है, 1 साल शादी को हुआ है और इसकी डेथ हो गई। ये लड़का पहलवान था, नगला जरम के रहने का पहलवान काम का लड़का है ये। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसका निष्पक्ष जांच हो करके इसका हमें संतान भी है कि नहीं। संतान नहीं है कोई, अभी शादी हुई है इसकी। क्या करते थे? ये आरत का काम करता था, ये मंडी में आरत का काम करता था। श्रीमान जी आपसे हम निवेदन करेंगे, बच्चे हमारे सब जान पहचान गए हैं, तो इसका निर्णय होना चाहिए। ऐसी गलती किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में पुलिस प्रशासन ने अच्छा बर्ताव किया। आप भी चाहते हैं ना? हम कार्रवाई चाहते हैं, बिल्कुल ये चाहते हैं कि बाकी में हकीकत क्या है, डेथ कैसे हुई है और क्यों हुई है, ताकि आगे आने वाले किसी भी मरीज को इस प्रकार की घटना से वाकिफ न होना पड़े। प्रतुल सक्सेना ने ऑपरेशन करने के लिए बुलाया था, हम लोग ऑपरेशन के लिए गए तो उन्होंने ऑपरेशन से पहले हम लोगों से मिले कि दो मतलब थोड़ी देर में ऑपरेशन हो जाएगा, सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। रेनबो हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ था। मेरे भाई का नाम हरिश्चंद्र और रंजीत नाम है उनका। उनका ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसी ही कंडीशन उनकी थी। वॉक करते हुए आराम से गए, हम लोग अंदर तक छोड़ के आए। अंदर छोड़ने के बाद ओटी में चले गए, उसके बाद डॉक्टर चले गए। 2 घंटे बाद डॉक्टर निकले, उन्होंने एक पतली दिखा दी कि ये एक पतली निकली हुई है, एक स्टैंड डाल दिया है, पुराने स्टैंड निकाल दिया है, बिल्कुल रिलीव है, आराम है, आप घर ले जा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखूँगा, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि उसमें थोड़ी सी ब्लडिंग हुई है और वो ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है, वो नॉर्मल ही है, ठीक है इस समय। और बाकी मैंने कहा भाई उन्हें होश आया नहीं आया, तो बोलते हैं कि उन्हें होश तो आ गया, बस अभी क्लीनिंग चल रही है। उसके बाद डॉक्टर पेमेंट वेमेंट लेके वहाँ से रफू चक्कर हो गए। आधे घंटे बाद जब उन्हें आईसीयू में भेजा, आईसीयू में भेजने के बाद हम लोगों ने उनकी देखी, बेहोशी हालत तो थी, बिकॉज पहचान सबको रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन उनसे बेहोशी की हालत में थी, क्योंकि 2 घंटे उनका एंडोस्कोपी डाल के ऑपरेशन हुआ था, तो हैवी डोज नहीं थी, तो नशे में थे वो। अब उनके मुँह से ब्लडिंग हो रही थी, नाक से ब्लडिंग हो रही है, मुँह से हो रही है। जब उनसे बोला कि नाक से मुँह से ब्लडिंग क्यों हो रही है, उन्होंने कहा कि एंडोस्कोपी हम लोगों ने किया है, इस वजह से ब्लडिंग हो रही है। हमने कहा चलो हो सकता है कि हम लोगों को नॉलेज नहीं है, कि बिकॉज डॉक्टर जो एडवाइस देंगे वो सही ऑब्वियसली सही देंगे, कोई गलत तो देगा नहीं, कोई भी किसी को मानना नहीं चाहता। अब वहाँ पे क्या हुआ है कि वो एक बार हुई है, चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन वो बार बार हो रही है। मैंने वहाँ नर्सिंग स्टाफ को भी ऐसे, वहाँ के रेनबो के नर्सिंग स्टाफ को भी बोला है कि भैया ब्लडिंग हो रही है, आप थोड़ा सा ये देखो तो सही। वो कह रहे हैं भाई एंडोस्कोपी डालिए, इस वजह से हुआ है, बाकी पेशेंट नॉर्मल है, आप ले जाओ, उन्हें रेफर करा दो। जो वहाँ पे थे अपने डॉक्टर थे प्रतुल सक्सेना ये कहा कि मैं यहाँ से रेफर कर देता हूँ, अपना अग्रवाल ट्रिकल केयर सेंटर है उनका, मधुबन प्लाजा में 4th फ्लोर पे, वहाँ एडमिट कर देता हूँ, जनरल वार्ड में शिफ्ट करना है। एक थोड़ी बहुत मेडिसिन चलेंगी, वो चलेंगी, 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखूँगा, 24 घंटे बाद एंडोस्कोपी डाल के मैं चेक करूँगा, जहाँ ब्लड निकल रहा था वहाँ निकल रहा है नहीं निकल रहा है, और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, बस आप घर ले जाओ, अगर कोई दिक्कत हो गई तो आपको भागदौड़ हो जाएगी, उससे बेटर मैं चाहता हूँ एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए। अब वहाँ से हम लोग जब बोला है उससे ब्लड वगैरह ये सारी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने कहा पेशेंट को जल्दी ले जाओ, तो 10 बजे से हम लोगों ने थोड़ा इंतजार किया, भाई पेशेंट को नॉर्मल तो होने दो, ऐसे कैसे ले जाएँ, ब्लडिंग हो रही है, थोड़ा होश में आए लगे कि हाँ थोड़ा ठीक है, तभी तो हम लोग ले जाएँ। उन्होंने ज़बरदस्ती ले जा नहीं रहे, तो 11:30 बजे हम लोग 12:45 बजे हम लोग वहाँ से निकले। ठीक 5 मिनट में हम लोग पहुँचेंगे, क्योंकि रेनबो हॉस्पिटल से और वहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, 3.5 किलोमीटर की है। 5 मिनट में वहाँ पहुँच गए। अब जिस हॉस्पिटल में पहुँचे वो कह रहा है इनके तो पल्सी काम नहीं कर रही है,
इनकी तो लाइक हार्ट बीट ही बंद है, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जो उन्हें CRP वगैरह जो देनी चाहिए एक घंटे तक वो देते रहे, लेकिन उसे कोई प्रॉपर ही नहीं मिला, उन्होंने जाति मृत घोषित कर दिया। क्या लगता क्या आरोप है वो आपके? क्या आरोप ये प्रतुल सक्सेना ने जानबूझ के इंजरी हुई है, उसने खुद कहा है कि ब्लडिंग हुई है, और ब्लडिंग होने के बाद उसने कहा है कि बस माइनर है, वो ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, और आप घर भी ले जा सकते हो। बस ऑब्जर्वेशन में मैं थोड़ा सा ये करना चाह रहा हूँ कि एक बार एंडोस्कोपी दोबारा कर लूँगा, एक बार चेक कर लूँगा कि वो जगह ठीक है या नहीं है। तो उस हम लोग ऑब्वियसली डॉक्टर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो इतना बड़ा रेनबो हॉस्पिटल है, ऐसा नामी ग्रामीण है, ऐसा नहीं है कि, और डॉक्टर भी काफ़ी अच्छा है। उनसे जो लापरवाही है उस चीज़ को उन्होंने छिपाया है, और छिपाने के बाद उस जो वहाँ के स्टाफ को बोल दिया कि फटाफट से इसे निकालो, क्योंकि वो डिफिकल्ट कंडीशन तो हो ही रही थी, बिकॉज हम लोग ब्लडिंग की बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर।